पार्टियां चिल्लाती हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, और तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। बेटा एक बात बताओ, अगर आप लोग हिंदू हो, आप लोगों के दिमाग में भी रहता है कि सच में हम हिंदू हैं, अगर आप लोग हिंदू हो तो ये कैसा हिंदुवाद है कि आरक्षण तुम भी चाहते हो, आरक्षण हम भी चाहते हैं। क्यों भैया आरक्षण आप भी चाहते हो ना, आरक्षण हम भी चाहते हैं, लेकिन आपके आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है? बताइए कौन कर रहा है? यही तथाकथित हिंदुवादी लोग कर रहे हैं ना। तो आपका दुश्मन मुसलमान हुआ? कौन हुआ? हिंदुवादी लोग हुए ना। आपके गले में मटका, कमर में झाड़ू बांधी हुई थी, वो किसी मुसलमान ने आके बांधी थी? बताइए, यही हिंदुओं ने बांधी थी ना। आपको जाति व्यवस्था में किसने बांटा? मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, बंकी, पासी, चमार, अय्यर, कड़ैया, इन सब में किसने बांधा? इन्हीं हिंदुवादी लोगों ने बांधा ना। किसी ने आपके साथ छुआछूत किसी मुसलमान ने नहीं किया ना। तो जब ये चुनाव से पहले आप लोगों को बोलते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, हर गली चौराहा सट्टी पे आप लोग खड़े होकर के माइक लगा लगा करके दमदारी से इस बात को बोलना सीखिए कि मुसलमान आपका दुश्मन न था, न है और ना ही कभी रहेगा। क्योंकि इस बात को आप लोग बताइए लोगों को, लोगों को जा जा करके बस्तियों में बताइए, लोगों को जा जाके बताइए कि आपके बाबा साहब जब दो वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे लंदन में गोलमेज सम्मेलन में, तो मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान नाम के दो मुसलमानों ने बाबा साहब को सहयोग किया था, जो बाबा साहब आपके लिए दो वोट का अधिकार लड़ पाए थे। जब पानी के लिए बाबा साहब महार तालाब सत्याग्रह कर रहे थे, उस समय एक मुसलमान ने ही ऐसे अपनी जमीन दी थी, जैसे आज हमारे भंते जी ने इतना बड़ा बुद्ध विहार के लिए जमीन दी, ऐसे एक मुसलमान ने बाबा साहब को जमीन दी थी आंदोलन करने के लिए। ज्योतिबा फुले जब औरतों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का काम कर रहे थे, तो उस समय उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान ने ज्योतिबा फुले को जमीन दी थी। माता सावित्री बाई फुले के साथ जो औरत पहली बार शिक्षिका बन के बाहर निकली, वो उस्मान शेख की पत्नी हमारी अम्मी फातिमा शेख थी। हमारे बाबा साहब जो संविधान लिख पाए ना, संविधान सभा में पहुंचने का अवसर भी हमारे 48% मुसलमानों ने बंगाल से बाबा साहब को चुन के भेजा था, जो बाबा साहब संविधान लिख पाए। तो मुसलमान हमारा दुश्मन न था, न है और न कभी रहेगा। ये सारे लोग केवल हम लोगों को लड़ाने के लिए रात दिन चिल्लाते हैं, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। अगर ये बताइए, कभी मुसलमान को गाय के नाम पे मारते हैं, कभी किसी के नाम पे मारते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले बड़ा आ रहा था कि ताजमहल गद्दारों ने बनाया, मुसलमानों ने बनाया और मुसलमान गद्दार है। बेटा इन लोगों से पूछो, अगर मुसलमान गद्दार है तो इन गद्दारों को दामाद किसने बनाया? हमने थोड़ी बनाया था, इन्हीं लोगों ने तो बनाया था। अपनी बेटियां तो इन्हीं लोगों ने ब्याही, इन्हीं लोगों से क्यों गद्दार गद्दार चिल्लाते हैं? क्योंकि हमको समझ